जरा सोचो, तुम अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लो सिर्फ इसलिए कि वो मोटे हो गए, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो मिले तो नजारा कुछ और ही हो। कहानी की शुरुआत में हम आन्या नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड ज़ेन्या के साथ रशिया में रहती थी। वो एक स्विमिंग कोच था और आन्या एक बेकरी में काम करती थी। जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब आन्या एकदम दुबली पतली हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका वेट बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उन्हें किसी दोस्त की शादी में जाना था। आन्या ने पिछले महीने के कपड़े पहनकर देखे लेकिन उसे कुछ भी फिट नहीं हुआ। ज़ेन्या भी इस बात से वाकिफ था लेकिन वो इस बारे में कुछ बोला नहीं ताकि आन्या को बुरा ना लगे। कुछ कपड़े तो उसके मोटापे की वजह से फट भी गए। आखिरकार उसे एक ढंग की ड्रेस मिल ही गई और वो उसे पहनकर तुरंत तैयार हो गई। जब ज़ेन्या की नजर उस पर पड़ी तो उसका मुंह हैरानी से खुला ही रह गया। अब आन्या वो सुंदर लड़की रही ही नहीं थी जिससे वो प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि शादी में उसके बॉडी बिल्डर दोस्त उसे मोटी आन्या के साथ देखें। वो बातें घुमाकर आन्या को कहने लगा कि जरूरी नहीं है चलना अगर तुम्हारा मन नहीं है तो, लेकिन वो अपने शरीर को लेकर खुद ही इतनी अनकंफर्टेबल थी कि शादी में जाने का उसका भी ज्यादा मन नहीं था। ज़ेन्या के जाने के बाद आन्या ने कपड़े बदल कर अपना वेट चेक किया। वो पूरे 76 किलो की हो चुकी थी। उसे अपने मोटापे से शिकायत तो बहुत थी लेकिन उस पर काम करने का मन नहीं करता था। अब भी उसने तेल में गर्मा गर्म पकौड़े तले और मजे से फोन चलाने लगी। फोन पर उसने ज़ेन्या और कुछ दोस्तों की शादी की तस्वीरें देखी। उसने जूम करके देखा कि ज़ेन्या के आसपास की सभी लड़कियां एकदम पतली और फिट थी। ये देखकर वो और दुखी हो गई। तभी उसके सामने एक वीडियो आई जिसमें एक लड़की ज़ेन्या के गाल पर किस कर रही थी। ये देखकर वो झट से तैयार हुई और पार्टी के लिए निकल गई। जब आन्या शादी की पार्टी में पहुंची तो उसने देखा कि ज़ेन्या उसी लड़की के साथ चिपक चिपक कर नाच रहा था। आन्या को ये देखकर बहुत जलन हुई और वह उन दोनों के बीच जाकर नाचने लगी। ज़ेन्या भी उसे देखकर हैरान रह गया लेकिन फिर भी उन्होंने डांस जारी रखा। आन्या को देखकर वो दूसरी लड़की मुंह फुलाकर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद जब वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे तब आन्या ने पूछा कि वो उस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहा था। बस इसी बात पर उन दोनों में बहस छिड़ गई और ज़ेन्या ने चिढ़कर कह दिया कि वो उससे तंग आ चुका है और उसका ये मोटापे से भरा शरीर उसे पसंद भी नहीं है। जब देखो बस खाती रहती है, और कुछ काम है तुझे। ये सुनकर आन्या की आंखों में आंसू भर गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती हमारा नया शादीशुदा जोड़ा वहां आ पहुंचा। आन्या की मुस्कान उसी वक्त गायब हो गई जब लड़की ने उससे पूछा कि वो प्रेग्नेंट है क्या। इसके बाद ज़ेन्या उसे हमेशा के लिए अलविदा कहकर वहां से चला गया। अगले सीन में आन्या रोते हुए अपनी माँ के घर जा रही थी। उसे अब कोई परवाह नहीं थी कि आसपास देखने वाले क्या सोचेंगे। आन्या ने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके मोटापे की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया है। उधर मम्मी जी ने समझाते हुए कहा, बेटा तू मोटी थोड़ी है, तेरी तो हड्डियां भारी हैं। इसे सुनकर तो आन्या और बुरा महसूस करने लगी। अगली सुबह उसकी दोस्त नताशा ने उसे अपने घर बुलाया। आन्या ने उसकी बैल्कनी में एक बेड फिट कर लिया और वहां बैठकर ज़ेन्या की बुराई करने लगी। पता चला कि ज़ेन्या पिछली रात उसका सारा सामान नताशा के यहाँ छोड़ गया था। जब तक वो नया घर नहीं ढूंढ लेती तब तक नताशा ने उसे अपने साथ ही रुकने को कहा। इसके बाद आन्या रो रो कर बस ज़ेन्या की बुराई किए जा रही थी। नताशा और उसके पति ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह नताशा ने उसे अपनी एक फ्रेंड की कहानी सुनाई जो बिल्कुल उसके जैसी हालत में थी। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो मोटी हो गई थी। लेकिन आन्या की तरह रोने धोने की बजाय उस लड़की ने जिम जाना शुरू किया और एक महीने में मॉडल जैसी पतली हो गई। उसके बॉयफ्रेंड को बाद में इतना पछतावा हुआ कि उस लड़की को वापस पाने के लिए उसने पूरा ऑफिस फूलों से भर दिया। अगली सुबह आन्या जिंदगी में पहली बार एक जिम में पहुंची। मशीनों का ढंग से इस्तेमाल करने में उसे थोड़ा टाइम लगा। कई बार तो वो ट्रेडमिल से ही नीचे गिर गई, लेकिन उसने अपनी सारी मेहनत पे पानी फेर लिया जब वो एक घंटे बाद एक रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर पेलने लगी। नताशा उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी और उसने आकर आन्या का खाना फेंक दिया। उसने गुस्सा होकर आन्या से कहा कि क्या वो 2 घंटे भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। घर आकर आन्या ने अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाकर प्लास्टिक रैप से बांध लिया। उसे उम्मीद थी कि इन फालतू तरीकों से 1-2 किलो कम हो जाएंगे। रात को वो फ्रिज से कुछ चुरा कर खाने ही वाली थी कि नताशा ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह उसने फैसला किया कि अब से वो कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी। ये उसके लिए और भी मुश्किल था क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती थी जहां चारों ओर खाना ही खाना था। एक केक बनाते वक्त उसने गलती से अपनी उंगली चाट ली और इसके बदले उसने उसी वक्त 10 स्क्वाट्स किए। दिन भर खाने की चीजें उसे अपनी ओर खींचती रही, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और ऐसे ही आन्या ने पूरा दिन खुद को कंट्रोल किए रखा। शाम को वो कमरे में केक के साथ बिल्कुल अकेली थी। कुछ मिनट तक तो वो उसे घूरती ही रही और मन में उसे खाने का कोई ना कोई बहाना सोचने लगी। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो एक ही बार में आधा केक खा गई।
अब उसे एहसास हुआ कि शायद उसे ईटिंग डिसऑर्डर है। वो ऐसे लोगों की मीटिंग में गई जो उसी की तरह हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की लत से परेशान थे। वहाँ एक आदमी भी था जिसका नाम है कोल्या। आन्या को सबके सामने बात करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने खुद को एंजेला नाम की एक जर्नलिस्ट बताया जो उन जैसे लोगों पर एक कहानी लिख रही है। वहाँ मौजूद सब लोग अपनी बीमारी के लिए कोई ना कोई बहाना देने लगे। कोई मानना ही नहीं चाहता था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। ये देखकर कोल्या ने सबसे चिढ़कर कहा कि उन्हें सच्चाई को अपनाना ही होगा। उसने आन्या के झूठ के पार भी देख लिया था। वो जानता था कि आन्या भी झूठ बोल रही है। ये देखकर कि उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है, आन्या एक फोन कॉल का बहाना करके बाहर चली गई। लेकिन कोल्या ने उसका पीछा किया। वो उसे एक रेस्टोरेंट में चलने को कहता है और फ्री के खाने को आन्या मना कर दे, हो ही नहीं सकता। कोल्या ने उसे आइडिया दिया कि उन्हें एक दूसरे का फिटनेस स्पॉन्सर बन जाना चाहिए। इसके मुताबिक उन्हें रोज इकट्ठे एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होगा और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। आन्या थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ट्राई करने में क्या ही जाता है। अगले दिन से दोनों हर सुबह पार्क में दौड़ने लगे। जैसे जैसे वक्त बीता तो आन्या को एहसास हुआ कि कोल्या सच में एक अच्छा इंसान है। वो अपने मोटापे की वजह से खुद को बुरा महसूस नहीं करता था। उसके साथ रहकर आन्या भी खुद से प्यार करना सीख गई। दोनों एक दूसरे की परेशानियां समझते थे। जल्द ही आन्या का वजन कम होने लगा। जब भी वो उदास होती तो कोल्या के साथ गला फाड़ कर चिल्लाने के बाद वो शांत हो जाती। आन्या बस ये चाहती थी कि ज़ैन्या फिर से उसे पसंद करने लगे, और इस बात से कोल्या को बहुत जलन होती थी। 1.5 महीने में उसने लगभग 10 किलो वजन कम कर लिया था। अब उसने ज़ैन्या से मिलने का प्लान बनाया। वो स्विमिंग पूल पर पहुंची और गलती से उससे टकराने की एक्टिंग की। उसे देखते ही ज़ैन्या के होश उड़ गए। कुछ देर बाद वो दोनों पूल में पानी से खेलने लगे। सब सही चल रहा था, फिर वहाँ शादी के दिन वाली लड़की आ गई जो अब खुद को ज़ैन्या की गर्लफ्रेंड बता रही थी। आन्या का दिल एक बार फिर से चकनाचूर हो गया। वो रात भर शराब पीकर पार्टी करती रही। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो कोल्या के बेड पर थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। कोल्या ने उसे विश्वास दिलाया कि उसने आन्या को देखा तक नहीं। असल में पिछली रात आन्या शराब के नशे में एक अनजान आदमी के साथ जाने वाली थी, जब कोल्या सही वक्त पर वहां पहुंच गया और आन्या को बचाने के चक्कर में मुंह पे मुक्का भी खा लिया। इसके बाद आन्या अपनी माँ के घर पहुंची। उसकी माँ ने कहा कि शायद वो अपने बचपन का दुख अब तक भूल नहीं पाई है। जब वो छोटी थी तो उसके पिता उन्हें अकेला छोड़ गए थे, इसलिए शायद अब ज़ैन्या के उसे छोड़कर जाने पर उसे इतना दुख हो रहा है। आन्या अगले ही दिन अपने पिता से मिलने पहुंची। क्योंकि रास्ता लंबा था तो वो कोल्या को अपने साथ ड्राइवर बनाकर ले गई। रास्ते में कोल्या ने उसके करीब आने की काफी कोशिश की, लेकिन आन्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वो आन्या के पिता सगे से मिले। आन्या ने उससे पूछा कि वो उनसे दूर क्यों चले गए। सगे ने उसे याद दिलाया कि वो उसके जन्मदिन पर उससे मिलने आया था, लेकिन उसने खिड़की से ही उसे वापस भगा दिया था। रात को आन्या ने गलती से एक मोमबत्ती गिरा दी, जिससे पूरे लकड़ी के घर में आग लग गई। सगे उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे आन्या की जान की कोई परवाह नहीं थी। ये देखकर आन्या ने उसी समय वहां से जाने का फैसला लिया। अपने घर के अंदर जाने से पहले आन्या ने कोल्या की नाक पर किस किया। कोल्या का तो जैसे दिन बन गया था। पैसे ना होने पर उसने अपनी घड़ी बेचकर आन्या के लिए फूल खरीदे। उधर ज़ैन्या अपने किए पर शर्मिंदा होकर आन्या से माफी मांगने पहुंचा। कुछ ही देर में दोनों में गुलूगुलू शुरू हो गई। जब बेचारा कोल्या फूल लेकर पहुंचा तो उसने आन्या को ज़ैन्या के साथ देख लिया। वो बेहद उदास होकर वहां से चला गया। उधर ज़ैन्या ने कहा कि वो पहले के मुकाबले बहुत सुंदर हो गई है। उसी वक्त आन्या को एहसास हुआ कि कल अगर उसका वजन फिर से बढ़ गया, ये आदमी तो फिर से छोड़ के भग जाएगा। वो समझ गई थी कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसने ज़ैन्या से जाने को कहा। शाम को आन्या कोल्या के घर गई क्योंकि उसे एक दोस्त की जरूरत थी। लेकिन कोल्या ने गुस्से से भरकर कहा कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन बीते दिन कोल्या ने उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया था। अब दिल टूटा आशिक प्यार तो बरसाएगा नहीं, तो उसने आन्या से कहा कि अब वो पतली हो चुकी है, इसलिए उसे कोल्या की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन आन्या के पिता सगे उससे मिलने आए और उसने जिंदगी भर एक बुरा बाप होने के लिए उससे माफी मांगी। उसने ठीक वैसे ही डांस भी किया जैसा वो आन्या के साथ बचपन में किया करता था। अगले दिन आन्या कोल्या से मिलने एक मैराथन में पहुंची। उसे कोल्ड ड्रिंक पीता देख उसने फटाफट बॉटल छीन ली और उसका स्पॉन्सर होने के नाते अपना हक जताने लगी। उसने कहा कि कोल्या का वेट अब भी कम नहीं हुआ, इसलिए अब भी वो उसकी स्पॉन्सर है। दोनों मिलकर मैराथन में भागे और जी जान से पूरी भी की। आखिरकार कोल्या ने आगे बढ़कर आन्या को किस किया। अब आन्या को एहसास हो चुका था कि वो बाहर से कैसी दिखती है इससे खुशी नहीं मिलती। खुशी तो कोल्या की तरह खुद से प्यार करने में है। वो फिट होने की कोशिश जरूर करता था, लेकिन कभी अपने मोटापे को लेकर शर्मिंदा नहीं हुआ। आखिरकार कोल्या ने भी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत जुटा ली
और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। तो कमेंट्स में सच सच बताना, क्या तुम्हें अपने पार्टनर के मोटे या पतले होने से फर्क पड़ता है? झूठ मत बोलना, ठीक है।